भी हैं। अगर मैं थाना बताऊं तो टीम इंडिया अब तक प्रत्येक आईसीसी ट्रॉफी आपका नाम कर रखी है और टीम इंडिया लास्ट बार 2013 में चैंपियन ट्रॉफी आपका नाम करी। तो चलो आज मैं थाने भी चैंपियन ट्रॉफी की कहानी बता सूं, लेकिन इससे पहले वो वीडियो लाइक जरूर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब भी करियो। 2013 में 6 जून ने 8 टीमों के बीच में चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत हुई और इस चैंपियन ट्रॉफी को फाइनल 23 जून ने खेलो जानो। भारत और इंग्लैंड दोनों टीमें ही अपने अपने ग्रुप में टॉप पर ही और दोनों ही सेमीफाइनल जीत की फाइनल में पहुंच गई। इंग्लैंड को मौसम के बारे में थाने समझ में रही है, इंग्लैंड में बरसात कद भी आस गए तो यही कहानी फाइनल में हुई। जे ही मैच की शुरुआत हुई तो फाइनल मैच में बरसात चालू होगी और बरसात के कारण फाइनल मैच ने 50 ओवर को नहीं करके 20-20 ओवर को करना पड़े। बरसात के बाद में मैच की शुरुआत जरूर हुई और इंग्लैंड को कप्तान एलिस्टर कुक्स ने टॉस जीत की फील्डिंग चुनी। रोहित शर्मा और शिखर धवन भी टाइम पे टीम इंडिया का नया नया ओपनर था तो दोनों ही टीम ने शुरुआत देने के लिए ओपनिंग जोड़ी उतर गई। रोहित शर्मा चौथे ओवर में वापस पवेलियन लौट गए और धवन ने 31 रन बना के विराट कोहली के सागर पारी संभाली। धवन का आउट होता ही दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मात्र 2 रन जोड़ किया स्कोर में और अब टीम की सारी जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा और कोहली के हाथ में आ गई और ये दोनों जना आपकी भूमिका ने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई। कोहली और रविंद्र जडेजा ने आपस में 47 रन की पार्टनरशिप करी और विराट कोहली 43 रन बना के आउट हो गए तो बड़े जडेजा भी 25 बॉल में 33 रन बना के नॉट आउट रियो और टीम के स्कोर ने 7 विकेट पर 129 रन तक पहुंचा दियो। जडेजा की बात करें तो जडेजा ने आपकी पारी में 2 चौका और 2 छक्का मारे हैं और 132 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी। यो टारगेट मिलने के बाद में इंग्लैंड की टीम बहुत ही खुश हो रही क्योंकि यो टारगेट एक मामूली से टारगेट हो 20 ओवर में हासिल करने के लिए, लेकिन जे ही इंग्लैंड आपकी पारी की शुरुआत करी तो इंग्लैंड का भी हौसला उड़ गया। तो इंग्लैंड की पारी के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने लाइक करियो।